बीएमसी का चुनाव नजदीक है, तो क्या आपकी जो पार्टी है वो बीएमसी का? बिल्कुल बिल्कुल, बीएमसी में हमारी कोशिश है कि हम सारे सीटों से इंडिपेंडेंट, सारे सीटों से हम किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। हम मुंबई में जितनी भी सीटें हैं उनमें सब में राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी, 100% उतारेगी। विजय भाई, कितना मुश्किल होगा क्योंकि पहले से ही बहुत सारी पार्टियां हैं, नामी जानी पहचान वाली पार्टियां हैं, आप लोगों को कितना कठिन पड़ेगा लोगों के बीच में जाना? देखिए दीदी, कठिन तो पड़ेगा, कठिन पड़ेगा क्योंकि हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे कोई बोलता नहीं था कि भारत देश आज़ाद हो जाएगा, फिर भी आज़ाद हुआ ना। तो करप्शन से आज़ादी के लिए हम घर घर जा कर के डोर टू डोर, वो हर समुदाय, हर पंथ, हर धर्म, हर भाषा के लोगों में अपनी पैठ बनाएंगे। और हमारे पार्टी का जो विजन है भ्रष्टाचार मुक्त बीएमसी, उसकी स्थापना करेंगे और उसके लिए हमारा भरपूर प्रयास रहेगा और जल्द से जल्द आप लोग देखेंगे सक्रियता बढ़ेगी राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी की। नहीं सर, अच्छा आप एक चीज़ बताइए, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना क्या है? तो क्या राज साहब के साथ केवल मराठी जुड़े क्या? हमारे भी लोग, ऐसा कुछ नहीं है, मराठी समुदाय हमारे बहुत नज़दीक है, मराठी हमारे भाई हैं, तो हम बिना अपने भाइयों के चल नहीं सकते। छत्रपति महाराज जी की धरती है, हम सब मिल के, देखिए नाम सर, नाम पर मत जाइए, कार्य सबके लिए होगा, चाहे वो हमारे मराठी भाई हो, चाहे गुजराती भाई हो, सिख भाई हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी पंथों के लिए काम होगा। और सब मिल के, मैं आपको बताता हूँ, हमारे पार्टी में मराठी भाइयों का बहुत ज़्यादा योगदान है। हमारे पार्टी का जो रिजोल्यूशन बनाया है वो एक मराठी भाई ने बनाया है, वो लोग कहीं ना कहीं, हमारा मराठी समुदाय भी बीएमसी का जो कार्यशैली उससे त्रस्त हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुका है, क्योंकि बीएमसी में आप देखें ना, वो बीएमसी एक जो है एक घराने की सेक्रेटरी बन के रह गई है, वो केवल एक घराने के इर्द गिर्द नाचती है, हमारे किसी मराठी भाइयों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। महाराष्ट्र में अच्छे अच्छे युवा मैंने देखे हैं, बात होती है, वो चाहते हैं कि वो आगे आए, वो भी नेतृत्व करें, लेकिन बस राजनीति वही एक दो घरानों के बीच में घूमती है महाराष्ट्र की। तो मैं एक नया अपने युवाओं को जो है, मराठा, चाहे वो मराठी समाज हो, गुजराती समाज हो, जो भी युवा हैं उनको नया आयाम देंगे। आने वाले मुंबई महानगर पालिका के जो चुनाव होंगे जी, उसमें क्या पार्टी अपने अकेले दम पर चुनाव? बिल्कुल अकेले दम पर लड़ेगी, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं घर घर जाऊँगा और आप लोगों से एक वोट और एक रुपए लेकर के आशीर्वाद मांगूंगा। और मुंबई बीएमसी में हम अकेले लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में भी अकेले लड़ेंगे, 2022 में वहाँ भी इलेक्शन है, तो पार्टी जो है मुंबई के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी 100 सीटों से उतारेगी अपने प्रत्याशी विधानसभा में जी। ओके, थैंक यू। अच्छा, आपको क्या लगता है?